गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने गृह जिले दतिया पहुंचे। उन्होंने ग्वालियर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग सिंध नदी पर क्षतिग्रस्त पुल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेकर अधिकारियों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF SDRF के साथ अब सेना भी बचाव कार्य में लगी हुई है। बचाव कार्य में वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश के चलते ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज अपने इलाके का दौरा किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दतिया में सनकुआ पुल भी ढह गया है। उधर भिंड के रौन में शासकीय हाई स्कूल की इमारत धराशायी हो गई, जबकि दतिया के सेवड़ा में नए अस्पताल में पानी भर जाने के कारण OPD बंद करना पड़ी। तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शिवपुरी दतिया में बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर को लगाया गया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से कल हेलीकॉप्टर उड़ान ही नहीं भर सका और आज उन्हें मोर्चा संभालना पड़ा। सेना को भी बचाव कार्य में लगाया गया है। अंचल में करीब 300 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं अब तक 3400 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शिवपुरी में कूनो करी नदी के उफान में आने के बाद कई बाढ़ ग्रस्त हो चुके हैं। बुधवार को सुबह सतनबाड़ा, चिथारी, भड़ौता, बैगनवा, बैराड़ में NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सेना NDRF की टीम ने करेरा के पुला चिताहरा सूंड क्षेत्र में 55 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। वहीं एक अन्य गांव से नवजात सहित 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। शिवपुरी में करीब 50 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। श्योपुर, विजयपुर में भारी बारिश के कारण गांव और शहरी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। कूनो में आए उफान के बाद यहां पर मुख्य मार्ग उखड़ गया है। कई जगह ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। चंबल में खतरा भी बना हुआ है। यहां 13 गांव बाढ़ प्रभावित बताए गए हैं। दतिया में सिंध नदी के उफान पर आने के बाद तेजी से हालात बिगड़े हैं। रतनगढ़ माता मंदिर का पुल बारिश के पानी में बह गया है। सनकुआ धाम भी पानी में डूब गया है। यहां भी बचाव कार्य के लिए सेना को मैदान में उतरना पड़ा। यहां पाली गांव में 43 ग्रामीण एक टापू पर फंस गए, जिनको सुरक्षित बाहर निकालने में सेना के जवान जुटे हुए हैं। अब तक 17 ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। दतिया में 36 गांव बाढ़ पीड़ित बताए गए हैं। वहां से अब तक 1100 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। सिंध नदी का बहाव तेज होने के कारण जिले को लहार से जोड़ने वाला पुल भी टूटकर बह गया है। वहीं मंदिर के 2 पुजारियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। मंदिर के पुजारी कल से बाढ़ में फंसे हुए थे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी आज सुबह दतिया पहुंचे। यहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के साथ ही बाढ़ पीड़ित इलाकों का भी दौरा किया। उन्होंने ग्राम कोटरा के प्रभावितों के लिए बनाए गए राहत शिविर का भी अवलोकन किया। नरोत्तम मिश्रा ने ग्रामीणों से चर्चा कर आश्वस्त किया है कि चिंता करने की बात नहीं है, शासन और प्रशासन आपके साथ है। चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर 5 मीटर ऊपर बह रही है। सिंध नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। अब तक भिंड में 800 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 7 लोग अब भी ग्राम गिरवसा में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की प्रयास जारी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।